अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। जी। मेरा जी थैंक जी यू। मैं बरेलवी था, अब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हूँ। ओके ठीक है। मेरा शिकवा एक मिनट भाई, होते और अब मुसलमान हो तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जितने बरेलवी हैं सारे के सारे मुशरिक या काफिर हैं, और मतलब इस तरह की बात नहीं मुश्रिक बोलनी सारे के मजमरात नहीं है। मैं अपनी बात करूंगा, मैं अपनी बात करूंगा। मैं मुश्रिक था। ऐसा लगे, मैं पूरी बात सुन लीजिए, आप ऐसा लफ्ज ना बोलिए जिसको ऐसा लगे, है ना, उसमें से कुछ मुशरिक हो सकते हैं, बहुत से हो सकते हैं, बहुत से नहीं होंगे, तो हम ऐसा लफ्ज ना बोले जिससे किसी मुसलमान को बहसियत जमात हम मुशरिक कहें। हाँ, शेख में हो सकता है या बहुत सारे लोग में मुशरिक। साहब जी, मुझे एक बरेली बता दो जो। हाँ सिराज भाई बोलिए जी, बताइए जी, मैं यही तो मैं गिला आपसे करना चाहता हूँ। आप जी। लोगों ने, एक तो आप हक पर, दूसरा आप लोगों की जमात ने गुस्ताखी का वो सर्टिफिकेट अपने ऊपर लगवा लिया। अब लोग हमको भी गुस्ताख कहते हैं। अब हम जो सही सही बनते हैं, मैंने किसी अहले हदीस से नहीं मिला, किसी मौलवी से नहीं मिला, मैंने सिर्फ कुरान को पढ़ा, कुरान के ठीक है मुताबिक अकीदा अपना बनाया। उन्होंने कहा तुम तो अहले हदीस हो गए हो, तुम गुस्ताख हो गए हो। देखो, वो बात हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल पहले मुझे ये बात बताओ कि इसमें जो बात आपसे कही गई उसमें क्या गलत लग रहा है। अभी आपने बोले ना हम लोग कुछ गलत कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं आप बताएंगे हम लोगों को? हम लोग जो मांगते हैं हजूर सलाम से या गौस पाक से या किसी और पीर से, ये बिल्कुल हाँ गलत है, बिल्कुल ये गलत है कुरान आप के बोल रहे। खिलाफ। हाँ हाँ, हाँ तो तो जो ये लोग कुरान मांगते सब काफिर हैं क्या? मुशरिक हैं। तो मुशरिक काफिर होता है? हर मुशरिक काफिर होता है कि नहीं होता है? ये काफिर बात होता है क्यों नहीं भाई, होता पहले बात आप सुनिए, जो भी कलमा बोल रहा मैं है तो नहीं सुनिए, डरता। पूरी बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। जैसे कुरान हदीस में शिर्क के बारे में बताया है, जैसे कुरान हदीस में वसीला के बारे में बताया है, किससे भागना चाहिए किससे नहीं भागना चाहिए, जैसे इसके बारे में बताया है, वैसे कुरान हदीस में उसूल ये भी बताया गया है कि हम कब किसको मुशरिक कहेंगे, कब काफिर कहेंगे। देखिए, हम किसी के बिल्कुल अमल आपकी को बात देखते सही है। हैं, मैं तो बहुत अगर आप मैं मुझे जिस तरह, पूरी बात तो सुन नहीं रहे हैं आप, जिस तरीके से ये बहुत जी बड़ा जी खतरा खा रहे हैं। शेख शाबान, माजर हाँ, चाहूंगा, कुछ माइक एडजस्ट करिए, माइक अभी तक अच्छा चल रहा था, अभी थोड़ी देर से प्रॉब्लम चलो मैं आ गया। वजह अच्छा कर ठीक, लेता हूँ। अच्छा थोड़ी देर शेख, क्योंकि आवाज आपकी बहुत डिस्टर्ब, आज डिस्टर्बेंस से डिस्टर्ब हुए हैं जी। बोलिए करो, मैं थोड़ी सी वजाहत कर देता हूँ। भाई साहब जी। शिर्क और शायद कुफर का मसला ला रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कहते कि कोई वो, मतलब जिन लोगों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं कि वो शिर्क नहीं कर रहे हैं, कुफर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर शिर्क करने वाले को, हर कुफर करने वाले को ये काफिर का टाइटल देना आसान नहीं है। यानी हम ये मानते हैं जो काम कर रहे हैं ना, जैसे कोई कब्र को सजदा कर रहा है तो हम साफ बोलते हैं शिर्किया अमल है, कुफरिया है, शिर्किया है। लेकिन क्या है, तकफीर करना ज़रूरी नहीं है और सबका काम है, इसलिए तकफीर नहीं करना चाहिए। बोलना चाहिए भाई ये शिर्क वाला काम है, ये कुफर वाला काम है, लेकिन तकफीर का शौक नहीं पालना चाहिए। आप इख्तलाफ कीजिए ना, आप ये भी कहिए कि तुम्हारा काम कुफरिया है, आप ये भी कहिए कि शिर्किया है, लेकिन ये शौक नहीं पालना चाहिए आम आदमी को कि वो किसी को काफिर बोले, काफिर मुश्रिक बोलता, इसी की पहले जरूरत नहीं। आप एक अमल को बताइए पहले कि भाई, पहले एक मिनट सुनिए, मैं आपकी इस बात, पहले एक मैं एक सुने 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 एक मिनट, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ मिनट एक मिनट मुझे मैं दे दें। एक मिनट पहले आपकी आपकी, सुनिए मैं ये तो। बात मानता था, मैं पहले यही बात करता था, अभी मैं आपको मुशरिक नहीं कहता, लेकिन आपके काम मुशरिक वाले हैं। लेकिन थोड़ी देर में समझ लगी यार, हम किसको, कब हम उनको मुशरिक कहेंगे तो उनको भी समझ लगेगी कि हम भाई मुशरिक हैं। हम उनको, मेरी हमको उनको ये तो नहीं कहते गलत मुशरिक हैं, बात काम है। मुशरिक वाले हैं। आपको क्या देखिए, मसला ये है कि समझ नहीं, अगर आप, उनका सुनिए क्या अगर कसूर था फिर, जिन्होंने जी डायरेक्ट मुशरिक का काम किया, उनका क्या, वो क्या खुदा के बंदे नहीं है, वो खुदा की मखलूक नहीं है जिनको हम मुशरिक कहते हैं? खफा मिसाल के तौर पर हिंदू हो गए या कुफारे मक्का थे, मुशरिक थे, दोनों में फर्क उनको है हम ना। क्यों कहते हैं? मतलब वो खुदा के बंदे नहीं है। आप कह दो कि देखिए, वो भी मुशरिक नहीं थे, कह दो हम उनको मुशरिक नहीं कहते लेकिन काम उनके मुशरिकाना थे, कहो। देखिए सुनिए ना, आप सुन नहीं रहे ना, मैं तो ये आगे क्या बढ़ाने बात लगा, हुई, मैं तो, मुझे मैं ये ये समझ बात नहीं लग रही बताने जा रहा आपकी था बात। कि आपने आपने मुझे सवाल क्यों नहीं पूछिए सुना? ना, अभी जवाब सुनिए नहीं, जी। वो भी तो मैं खुदा के बंदे हैं, वो भी दीन सुना, पर थे, हजरत इब्राहिम के सुना दीन पर थे, लेकिन दीन बदल गया था। सुने सुने, दीन बदल दिया था उन्होंने, आप उनको तो मुशरिक कहते हैं। अब इन्होंने जो दीन बदल दिया, आप इनको मुशरिक नहीं कहना चाहते?
नहीं भाई सही बात है, इतना आसान सवाल है, अब मैंने आपको म्यूट किया है, जरा जवाब सुन लीजिए फिर से अनम्यूट करूंगा। जी बोलिए। देखिए भाई साहब, मैं वही बताने जा रहा था कि ये जो कुफार है मुशरिकीन है वो कलमा नहीं पढ़ते, वो अपने आप को मुसलमान होने का दावा नहीं करते, ये बहुत बड़ा फर्क है। यानी खुद को ये नहीं कहते कि हम मुस्लिम है, खुद को ये नहीं कहते कि हम वो तो साफ कहते हैं ना कि कफर ना, हमने कुफर किया, हम नहीं मानते। तो जो आदमी डंके के चोट पे कहता है कि हम अल्लाह को नहीं मानते, रसूल को नहीं मानते, उसे मुशरिक और काफिर क्यों नहीं कहेंगे? लेकिन जो दावा कर लेना तो ये बहुत बड़ी बात होती। देखिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत सारे मुनाफिकीन को मुसलमान मानते थे, हालांकि जानते थे कि मुसलमान नहीं है, लेकिन मुसलमान बोलते थे, मुसलमान जैसा तआमुल करते थे उनके साथ, उनकी तकफीर नहीं करते थे, यानी उनको तकफीर यानी उनको एकदम मुसलमान नहीं, यानी अल्लाह के नबी जानते थे ये मुनाफिकीन है, लेकिन आप सल्लम मुसलमानों की सफ में रखते थे, वो नमाज पढ़ रहे थे मस्जिद में, बताइए। लेकिन अल्लाह के रसूल ने नहीं भगाया जानते हुए कि ये मुसलमान जो है ये 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 मुनाफिक है, तो उनकी तकफीर नहीं की अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो ऐसा नहीं है, कहने का मतलब ये है कि फर्क क्या है, जबकि अल्लाह के रसूल ने कहा कि या अय्युहल काफिरून जगह जगह है, आप सल्लम कुछ लोगों को कुफार कहा, मुनाफिकीन को कुफार नहीं कहा, ऐसा हालांकि वो भी काफिर है। फर्क ये है कि मुनाफिकीन दावा कर रहे थे कि हम मुस्लिम हैं, वो दावा कर रहे थे, तो उनके दावे की वजह से और मसलहत की वजह से उनको काफिर नहीं कहा गया। तो हमें दोनों में फर्क करना होगा, एक आदमी जो कलमा पढ़ रहा है और एक आदमी जो कलमा नहीं पढ़ रहा है। तो जो कलमा नहीं पढ़ रहा वो तो खुद अपने आप को जो इनकार कर रहा है ना, तो उसको काफिर मुशरिक करने में कोई मसला नहीं। लेकिन एक आदमी कहता है कलमा पढ़ रहा है, तो कहता है मैं अल्लाह को मानता हूँ, रसूल को मानता हूँ, फिर भी अगर वो कुफ्र और शिर्क वाला काम करता है, तो वो करने के बावजूद भी ये नहीं बोलता कि मैं अल्लाह को नहीं मानता, ये नहीं बोलता कि मैं रसूल को नहीं मानता। तो हो सकता है वो कन्फ्यूजन का शिकार हो सकता है गलतफहमी का शिकार हो सकता है जाहिल हो, बहुत सारी वजह हो सकती है कि उसको थोड़ा बहुत मिल सकता है। इसलिए हमें एहतियात का रास्ता अपनाना चाहिए। हम ये नहीं कहते कि वो काफिर नहीं, हो सकता है वो काफिर हो सकता है पक्का मुशरिक हो सकता है दायमी जहन्नम हो, हम उसका इनकार नहीं करते, लेकिन ये फैसला हम क्यों करें, ये शौक हम क्यों पालें? हम ये कहते ना कि ये काम कुफ्रिया है, ये काम शिरकिया है, लेकिन टाइटल देके हमको क्या मिलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है सिराज भाई, आपको उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। कभी कभी जरूरत पड़ती है तो हम टाइटल देते हैं, कादियानी है, अब उलमा को जरूरत महसूस हुई, नबूवत का दावा करता है, उसको टाइटल दिया काफिर, उलमा ने बाकायदा कुफर का फतवा लगाया, अब सब लोग लेकिन एक आदमी करे चोरी और दावा ये करेगा मैं चोर नहीं हूँ, आप उसको चोर नहीं कहेंगे? शेख मैं जवाब दिया, जज उसको चोर नहीं मानेगा? एक आदमी चोरी करे और कहे मैं चोर नहीं हूँ, आप उसको चोर नहीं कहेंगे? जज उसको चोर नहीं मानेगा? सिराज भाई मैं आपको एक हदीस बताता हूँ, आपके सवाल का जवाब है मौजूद, आप ये हदीस देखिए। ये हदीस में आता है, पहले मुझे आप एक जवाब सवाल का जवाब बताइए कि कोई शख्स कहे कि कोई पेड़ में पावर है कि उस पे तलवार लटकाएंगे तो तलवार में ऐसा पावर आएगा कि जीत लेंगे, तलवार यानी कि पेड़ पे लटकाने से तलवार में पावर आता है, अगर कोई किसी का ये अकीदा है तो ये अकीदा सही है गलत है? पेड़ जैसे तलवार में मोड़ आता है ये गलत है? गलत शिर्क है कि नहीं है? कोई पेड़ में पावर है शिर्क है कि नहीं शिर्क? बिल्कुल बिल्कुल। देखो अभी हदीस आपके सामने, इसमें आपके सवाल का जवाब मौजूद है, आप जरा ध्यान से पढ़ो इस हदीस को। हदीस में आता है साहबी रसूल बताते हैं कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में जब हुनैन की जंग के लिए जा रहे थे तो एक पेड़ दरमियान में गुजरा जिसका नाम था जात अनवात। अब इस पेड़ पर जो मुशरिकीन मक्का अपनी तलवारें लटकाते थे उनका यह अकीदा था कि ये पेड़ पर लटका दो तो जीतेंगे ही जीतेंगे। तो जब उस पेड़ के पास से गुजरे तो बाज लोग जो नए नए इस्लाम कबूल किए थे उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे उनके पास है जात अनवात का पेड़, ऐसे हमारे लिए भी एक पेड़ मुकरर करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने तो ऐसे कहा है जैसे मूसा से बनी इसराइल ने कहा कि हमारे लिए भी माबूद इज्अल लना इलाहन कमा लहुम आलिहतुन, कि जैसा उनके पास माबूद है ऐसे हमारे लिए भी माबूद बना दो। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाह की करेक्ट किया, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अब तुम सब काफिर हो गए, अब तुम्हें कलमा फिर से पढ़ना पड़ेगा, अब तुम्हारी जो निकाह टूट गए तुम्हें निकाह कराना होगा, तुमने बैत लिए थे मक्का में वो बैत फिर से लेना होगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये बात और है, ये तो समझाया जा रहा है उनको, अगर वो फिर करते फिर ना। सिराज भाई बस मैं मुकम्मल कर लूं, एक मिनट और लूंगा फिर आपको मैं मौका देता हूँ। हाँ तो यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको मुसलमानों में ही शुमार रखा लेकिन उनकी इस्लाह की। अब आज हमें ऐसे लोग दिखते हैं जो शिरकिया बात बोल रहे हैं, शिरकिया बात बोल रहे हैं, वो लोग शिरकिया काम कर भी रहे हैं, लेकिन अगर आप उनसे पूछो कि कलमा क्या है तो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आप आगे बढ़ के किसी दरगाह के बाहर भी खड़े होकर पूछो कि भाई जो ये दरगाह में है आप उनकी इबादत करते हो क्या, तो वो कहेंगे नहीं नहीं इबादत उनकी नहीं करते। इबादत किसकी करते हो? इबादत तो सिर्फ अल्लाह की करते हैं, लेकिन हकीकत में वो इबादत के अमाल अल्लाह के अलावा औरों के लिए कर रहे हैं। अब उनके कहने और करने में तजाद है,
कह रहे कुछ कर रहे कुछ। अब ऐसा ही हुआ था यहां पर कि ये लोग थे जो मुसलमान थे, ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहे थे और शिर्किया बात बोल रहे हैं, कह रहे शिर्किया बात साथ में ला इलाहा इल्लल्लाह भी बोल रहे हैं, तजाद है, कॉन्ट्रोडिक्शन है। तो क्या चीज पे जाएंगे, कहने पे जाएंगे करने पे जाएंगे? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके इस्लाम को बरकरार रखते हुए उन्हें मुसलमानों में शुमार रखा और उनकी इस्लाह की। यही सुन्नत है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आज जब हमारे भाई कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, किबला रुख है, सेम किबला है हमारा, सेम कुरान है, सेम नबी को मानते हैं और ला इलाहा इल्लल्लाह भी कह रहे हैं, और जब उनसे पूछते हैं कि क्या तुम उनकी इबादत करते हो, कहते नहीं कर रहे लेकिन हकीकत में कर रहे हैं, कहने और करने में फर्क है। तो हम क्या करेंगे, हम वही तरीके पे चलेंगे जो सहाबा ने नहीं किया, ये करते हैं। सहाबा ने नहीं किया, ये करते हैं। क्या बात करते हैं सर, वो तो मान गए हुजूर की बात, उन्होंने नहीं किया, ये करते हैं, सौ बार तो फिर भी करते हैं। क्या नहीं किया वो जो कह रहे थे आप हमारे लिए पेड़ बना दें, वो जब हुजूर ने मना किया तो वो रुक गए। सैयद भाई दो बात मुझे रखने दीजिए इनके सामने। जी हाँ रखिए। पहली बात ये ना कि अल्लाह के नबी ससुन ने समझाया वो समझ गए, आप जिनको काफिर कह रहे हैं आप समझा लेंगे उनको, आपने हुज्जत कायम कर दी, हो सकता है कि कमी आपके अंदर हो, आप सही से समझा ना पा रहे हो। दूसरी बात यह है, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपने अभी शायद ये कहा ना कि आप शायद पहले क्या थे, इन्होंने शायद कन्वर्टेड है कुछ पहले, ऐसे कुछ कहा जी। तो भाई साहब मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या पहले आप भी ऐसे शिर्क कुफ्र करते थे जो अभी छोड़ दिया आप? हेलो, बस मैं ये कहूंगा उल्टा चोर को तो आपको डांटे, सही हम और गुस्ताख भी हम, आपको पता है मेरे साथ लड़ाई हुई, मेरे साथ लड़ाई हुई भाई ने मुझे मारा। पूछ रहा हूँ कि आपने छोड़ दिया पहले? सब बात, अरे सिराज भाई जवाब दीजिए, सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिए। जी बोलिए, आप सवाल का जवाब दे दीजिए कि क्या आपने ये सब छोड़ दिया पहले करते थे? आपने भी कहा ना शुरू में कुछ, मैंने ऐसा सुना शायद। नहीं आप बात जो है ना वो कट रही है इसलिए मैं कट नहीं रही, मैं पूछ रहा हूँ कि अभी आपने थोड़ी देर पहले मुझे ऐसा लगा कि आपने कहा था उन्होंने, रिकॉर्डिंग है पूरी YouTube पर। अभी मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके वालिद साहब भी तौबा कर चुके हैं, आपके वालिद साहब भी तौबा कर चुके हैं या वो भी उसी हालत पे हैं? आपके अब्बा बात आपकी कट रही है, बस मैं यही कहूंगा आप काम अच्छा कर रहे हैं, बस थैंक यू। नहीं आप ये बताइए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये कभी जो सिराज भाई का इंटरनेट कनेक्शन प्रॉब्लम है, आप जो पॉइंट बता रहे थे वो बता दीजिए ताकि सब लोगों को फायदा हो। मैं बता देता हूं, मैं असल में इनसे पूछना चाहता था कि आपके अब्बा अभी भी उसी शिर्क कुफ्र पे बाकी है या नहीं बाकी? ये जितने लोग भी ऐसे तकफीरी जहन के होते हैं ना, सबको काफिर बोलते हैं, जब उनको प्रॉपर्टी लेनी होती है, ज्यादा लेनी होती है ना, तो उसमें जाके अपने आप को करंट कर देते हैं कि हम अपने अब्बा की प्रॉपर्टी लेंगे। तो अगर भाई आप किसी को काफिर बोल रहे हो तो जैसे कुछ लोग कहते हैं ना अपने बाप की जनाजे में जनाजा पढ़ने नहीं जाते लेकिन विरासत में हिस्सा ले लेते हैं भाई। जब आप अपने अब्बा को काफिर मान रहे हो तो हदीस है ना कि ला यरिसुल मुस्लिमुल काफिरा वलल काफिरुल मुस्लिमा, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होता, काफिर मुसलमान का वारिस नहीं होता है। इसलिए मैं इनसे पूछ रहा था कि आपके अब्बा मतलब छोड़ दिए कि हैं? तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने अब्बा को काफिर बोलते हैं, हत्ता कि बहुत अफसोस होता है कि कितने लोगों के बारे में मैं जानता हूँ जो अपने अब्बा का जनाजा नहीं पढ़े, इतनी सख्ती, लेकिन लेकिन विरासत ले लिया। ये नहीं कहा कि मैं अपने अब्बा का माल नहीं लूंगा क्योंकि वो काफिर थे, काफिर थे इसलिए जनाजा नहीं पढ़ा, लेकिन काफिर थे तो आपको माल भी नहीं लेना चाहिए ना, आपके जो दूसरे बेटे उनके जो दूसरे बेटे उनको छोड़ देना चाहिए, आपको एग्जिट हो जाना चाहिए, लेकिन आप माल लेना होगा तो आपके अब्बा मुसलमान हो गए, बाकी कुफर का बाकी नमाज पढ़ना हुआ तो काफिर बना दिया। तो ये क्या बात भाई, कभी अपने अब्बा को कभी काफिर बना दो कभी मुसलमान बना दो। तो वाकई अगर आपका जो अकीदा है आपकी जो सोच है उसमें अगर पुख्तगी है तो आप क्या करो, आप विरासत में हिस्सा भी मत लो, जायदाद में हिस्सा मत लो, यही नहीं बल्कि काफिर का जबिया भी हलाल नहीं है ना, जबिया भी हलाल नहीं है। अब जाके वो चिकन खरीद के लाते हो ये नहीं देखते कुछ किसकी दुकान है, एक बरेली बेच रहा होता है लेके आ जाते हो, क्यों भाई गोश्त खरीद के ला के खाते हो? खाना हुआ तो काफिर गैर काफिर का कोई मसला नहीं है, बरेलवी की दुकान से चिकन लेकर आओगे, अपने अब्बा अब्बा बरेलवी हो तो उनके माल में हिस्सा ले लोगे और बाकी दूसरे मामला आते हैं आप काफिर काफिर कहते चलोगे, तो ये ठीक नहीं है ना। तो इसे कुफर के गोले नहीं दागना चाहिए, आप कह सकते हो कि भाई ये कुफरिया काम है ये शिरकिया काम है, लेकिन हुज्जत कायम किए बगैर किसी को काफिर नहीं कहा जाता है, और हुज्जत कायम करना हर आम आदमी की बस की बात नहीं है, ये बड़े बड़े उलमा की बात है, उनका काम है। तो एक आम आदमी का ये काम ही नहीं है कि वो ये दावा करे कि मैं हुज्जत कायम कर चुका हूँ अब कुफर का फतवा लगा दो, ये एक बड़ा फतवा है, किसी को काफिर कहना एक बड़ा फतवा। हम ये नहीं कह रहे कि वो काफिर नहीं है, हो सकता है काफिर हो, लेकिन आपके लिए बोलना जरूरी है कि वो काफिर है,
हो सकता है कि हमेशा हमें जानना में जाए, लेकिन क्या आप उसको काफिर नहीं बोलेंगे तो जन्नत में चला जाएगा? मुनाफिकीन को अल्लाह के नबी रसूल ने काफिर नहीं बोला तो क्या जन्नत में चले जाएंगे वो? इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल असफल मिन नार, वो जहन्नम के सबसे निचले तबके में होंगे। तो उनको अगर वो वाकई काफिर हैं, उनको समझ में आ गया है, हुज्जत कायम हो चुकी है और हमने उनको काफिर नहीं कहा, इसका ये मतलब नहीं कि वो बच जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, लेकिन अगर अगर देखिए अगर अल्लाह ताला के यहाँ वो माजूर हैं, किसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनकी गलतियों को माफ कर दिया है, क्योंकि कन्फ्यूजन की वजह से, जहालत की वजह से हो सकता है कि अल्लाह ताला दरगुजर कर दे। अगर ऐसा हुआ और आपने कुफर के गोले बरसा दिए तो पकड़ जाएंगे आप, पकड़े जाएंगे। आप आलिम नहीं है, आप आलिम नहीं तो वो काम आपने कैसे कर दिया? यानी एक एक बड़े इस्तिहाद की जरूरत है, आपने कुफर का फतवा कैसे लगा दिया? लेकिन अगर आप कुफर का फतवा नहीं लगाते, आप ये कहते हैं काम कुफरिया है, शिरकिया है, तो आप सेव है। यानी अगर वो काफिर रहा तो भी कोई नुकसान नहीं है, काफिर नहीं रहा तो भी आपके लिए कोई नुकसान नहीं है। लेकिन ऐसे धड़ाधड़ किसी को काफिर बोलना ये तरीका सही नहीं है। हाँ, अगर उलमा की जमात ने किसी की तकफीर कर दी है तो आप भी कर सकते, कोई मसला नहीं है। लेकिन जब तक बड़े बड़े उलमा, किबार उलमा किसी को काफिर नहीं कह रहे हैं, तब तक जो है किसी का नाम लेके आम आदमी को काफिर नहीं कहना चाहिए। जी, ये देखिए शेख, ये एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया का, यूपी में एक फतवा दे दिया किसी ने और 200 लोगों की शादियां कराई गई। क्या हुआ था कि एक देवबंदी आलिम था, उसके पढ़ा उन्होंने जनाजे की नमाज पढ़ाई और पीछे 200 बरेलियों ने नमाज पढ़ ली, तो वो 200 लोगों के बारे में फतवा ये लगाया गया कि वो सबका निकाह टूट गया। अब जब निकाह टूट गया तो 200 लोगों को फिर से निकाह करना पड़ा, हाँ फिर से निकाह करना पड़ा, और उनमें से एक बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, हाँ बड़े बड़े बुजुर्ग लोग, उनको करना पड़ा। ऐसे ऐसे मामलात तकफीरी लोगों के, ये मैं फिर कहता हूँ जैद भाई, ये लोग ये सब कुछ करते हैं लेकिन विरासत में हिस्सा नहीं छोड़ते, अक्सर देखने में आया है। मैं एक भी एग्जांपल नहीं जाता हकीकत में, विरासत के सवाल के जवाब देता हूँ मैं। विरासत मेरा एक खास दिलचस्प फन है, उससे मैं जुड़ा हूँ, 10-15 साल से मैं ऐसे केसेस देखता हूँ, लेकिन एक भी बंदा नहीं आया ये कहते हुए कि चूंकि मेरे अब्बा बरेलवी थे, कब्र पूज रहे थे, इसलिए मुझे हिस्सा नहीं चाहिए, बताओ कैसे बटेगा। ऐसा कोई नहीं आता। तो ये गलत है ना भाई, आपको काफिर कहने का शौक है तो आप हट जाइए ना विरासत से, लेकिन नहीं हटेंगे आप।